सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर के बारे में। दोस्तों यहाँ का आज का टॉपिक हमारा है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट फोकसिंग टाइप कलेक्टर के अंदर। दोस्तों इसके पहले हमने देखा था वो टॉपिक पूरा का पूरा अलग था, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक है यहाँ पे पॉइंट फोकसिंग टाइप कलेक्टर, इसके अंदर है लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि ये पॉइंट फोकसिंग टाइप कलेक्टर के अंदर हम आ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर का। तो चलिए दोस्तों उसका डायग्राम देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसका चित्र देख के कि ये एक जो हमारी छतरी होती है टीवी वगैरह एंटेना के लिए, तो उस तरह का कुछ दिख रहा है हमें, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर हम आगे बात करेंगे कि पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर क्या करता है। सेम टू सेम हमारी जो छतरी एंटेना होती है वो भी यही करता है, पॉइंट फोकसिंग टाइप ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है, उसके थ्रू हमें जो भी प्रसारण हो रहा है चैनल के ऊपर वो हमें देखता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर है, इसके अंदर भी सेम टू सेम आपको यही चीज देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर है इसके अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप, ये अपना हो गया पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर, और इसके ऊपर हम यहाँ पे सोलर रेडिएशन, जैसे कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन आ रहा है आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये सोलर रेडिएशन उस छतरी एंटेना के अंदर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे अपने ये रिफ्लेक्टर, ये जो छतरी है वो यहाँ पे एक एज अ रिफ्लेक्टर का काम करेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे जो बीच में है वो सेंटर में हमारा एब्जॉर्बर है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो भी सोलर रेडिएशन से यहाँ पे किरणें आ रही है, मैं यहाँ पे एक मार्कर ले लेता हूँ उसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई करो। तो जैसे कि यहाँ पे ये किरण है, यहाँ पे आते हुए ऐसे ही आती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आते हुए ये रिफ्लेक्टर के ऊपर जाएगी। अब रिफ्लेक्टर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टर का काम ही है कि किरणों को रिफ्लेक्ट करना, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इसको इस तरह से रचना की होगी कि ये एब्जॉर्बर के ऊपर जाके गिरे दोस्तों। तो आप समझ गए, यहाँ से आते हुए यहाँ पे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके एब्जॉर्बर के ऊपर जाएगी, साथ में जो भी प्रकाश यहाँ पे आएगा वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्बर के ऊपर आ ही रहा है, लेकिन वो इतने एरिया में आएगा, ठीक है। तो इसके पास वाले एरिया में फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर भेजा जाता है दोस्तों, और यहाँ पे एब्जॉर्बर का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है दोस्तों। अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर किस तरह से काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, पॉइंट बाय पॉइंट्स देखते जाएंगे और डिटेल्स में माहिती लेते जाएंगे दोस्तों कि एब्जॉर्बर किस तरह से, रिफ्लेक्टर किस तरह से बना हुआ है, क्या है ये जो पैराबोलॉइडल टाइप पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर है वो सूर्य की दिशा से हिसाब से किस तरह से काम करता है, क्या है, तो ये आगे हम पॉइंट में डिस्कशन करते हैं। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क कलेक्टर, यानी कि दोस्तों इसको हम यहाँ पे डिस्क कलेक्टर भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इसको देख के कि क्यों डिस्क कलेक्टर इसको बोला जाता है दोस्तों। अब आगे हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले है यहाँ पे अ पैराबोलॉइडल सरफेस इज फॉर्म्ड बाय माउंटिंग अबाउट 200 मिरर्स एंड अ 0.6 डायमीटर मेटल डिस्क, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पैराबोलॉइडल है यहाँ पे उसकी सरफेस यानी कि उसकी सपाटी को फॉर्म माउंटिंग अबाउट, यानी कि दोस्तों उसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे 200 मीटर से बनाया जाता है और उसके ऊपर 6.6 मीटर का डायमीटर से यहाँ पे मेटल डिस्क को रखा जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें तो सोलर रेडिएशन इज इमरजेंसी ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्ट ऑन द रिफ्लेक्टेड ऑन एंड फोकस्ड ऑन द फोक्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो मिरर पर यहाँ पे सोलर रेडिएशन गिराया जाता है, मिरर के ऊपर जो यहाँ पे सोलर रेडिएशन गिरेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोकस पर यहाँ पे केंद्रित होगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं द एब्जॉर्बर इज मेड ऑफ जिंक्रोनियम कॉपर एलोय, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो एब्जॉर्बर हमने बताया था ना वो एब्जॉर्बर यहाँ पे जिंक्रोनियम कॉपर की मिश्र धातु से बनाया जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें यहाँ पे तो इट इज कोटेड विथ ब्लैक, यानी कि दोस्तों जो एब्जॉर्बर है उसको यहाँ पे ब्लैक कलर से कोटिंग किया होता है, विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड हीट ट्रांसपोर्ट एंटर्स द एलॉयड एब्जॉर्बर एंड द हीट स्केप फ्रॉम द अदर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे जो एक पाइप की मदद से यहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्लूड को एब्जॉर्बर में दाखिल किया जाता है दोस्तों।
इसके ऊपर यहाँ पे एक जगह से उष्मा अंदर आती है और एक जगह से यहाँ पे उष्मा हमें मिल सकती है और दूसरी जगह से हम इसको आउट कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें, अरेंजमेंट आर मेड टू चेंज द पोजिशन ऑफ द डिश एज पोजिशन ऑफ द सन चेंजेस, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे इसकी जो सूर्य की पोजीशन चेंज यानी कि सन की पोजीशन जिस तरह से चेंज होगी उस तरह से हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर सकें, इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। आपको भी पता होगा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है। अगर आपको नहीं पता है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेके आपको बताऊंगा कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है। वो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, ज़्यादातर लोग डिप्लोमा या डिग्री करते हैं तो उसके अंदर सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट किया होता है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का इसके ऊपर। अब आगे बात करें, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेटर टू द एरिया ऑफ द एब्जॉर्बर इन द सोलर कॉन्सेंट्रेटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो सोलर कॉन्सेंट्रेटर में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर का एरिया होता है और एब्जॉर्बर का एरिया होता है, उन दोनों का यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे जिसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर रेशियो बोला जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें, द कॉस्ट ऑफ द रेशियो इज मच हायर इन दिस टाइप ऑफ कलेक्टर, यानी कि दोस्तों इस प्रकार के कलेक्टर में यहाँ पे रेशियो की यानी कि यहाँ पे इसकी कीमत होती है वो यहाँ पे ज्यादा होती है दोस्तों। अब आगे बात करें, दस द हायर टेम्परेचर एलॉय कैन बी ऑब्टेन, यानी कि दोस्तों इस तरह में फ्लूड का उच्च टेम्परेचर यहाँ पे हमें मिल सकता है, यानी कि जो ऊष्मा शक्ति हमें यहाँ पे ज्यादा तरह की मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे फोकस होके हमें यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल अंदर हार्दिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव है या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सेम टू सेम आपको ये वीडियो गुजराती लैंग्वेज में थोड़ी देर में अपडेट होके मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही गुजराती में अपडेट करूंगा आपको उसी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको उसके बारे में कॉमेंट करनी पड़ेगी। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको क्या सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर लाके आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में पूरी किस तरह से वर्क करती है। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।